शांति, आज जो हम सुना रहे हैं वो बहुत ध्यान से सुनने और समझने की बातें हैं, क्योंकि आपने ऐसे कई बातें सुनते हैं जिसका कोई सिद्धांत नहीं है, लेकिन लोग उसे मानते आए हैं। लोग ये कहते हैं कि दान करने से पुण्य होता है, लेकिन किस दान से क्या पुण्य होता है, क्या फल मिलता है, उसका कोई सिद्धांत आज तक किसी ने नहीं बताया। लेकिन यहां जो हम बता रहे हैं वो भी कोई हमारा कोई सिद्धांत नहीं है, लेकिन स्वयं परमात्मा ने जो कुछ बातें बताए हैं उसी बातों को आपके सामने स्पष्ट कर रहे हैं, लेकिन वो यथार्थ सिद्धांत से हैं। तो आज यहां हम स्पष्ट कर रहे हैं कि किस दान से क्या फल मिलता है। स्वयं भगवान ने बताया, अगर कोई ईश्वर के नाम पर धन का दान करते हैं, चाहे वो कहां भी दान करते हैं, चाहे वो गरीबों को दान करे, चाहे कोई मंदिरों में दान करे, धन का दान करने से अगले जन्म में उसको धन कमाने की कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अर्थात वो कोई साहूकारों के घर में वो जन्म लेंगे, वो साहूकार तो बनेगा लेकिन वो स्वस्थ भी रहेंगे उसकी कोई गारंटी नहीं है, और कोई संबंध का उसको संपूर्ण सुख मिलेगा उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। और बरोबर हम इस प्रकार से देखते हैं, कोई बड़ा साहूकार का घर होता है, उसके घर में बच्चा जन्म लेते हैं, लेकिन कोई ना कोई बीमारियों से घिरे रहते हैं, कोई संबंध में कोई समस्याओं से घिरे रहते हैं। इस प्रकार से हम दुनिया में देखते भी हैं। और दूसरी बात है कि अगर कोई हॉस्पिटल बनाकर दान करते हैं, या तो लोगों के स्वस्थ रहने के लिए कोई समाज सेवा करते हैं, तो उसका फलस्वरूप वो अगले जन्म में उसका निरोगी काया रहेगी, बुढ़ापा तक उनकी कोई बीमारी नहीं होगी, लेकिन वो धनवान भी बनेंगे उसकी कोई गारंटी नहीं है, कोई बुद्धिमान भी बनेंगे उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। और तीसरी बात है, अगर कोई धर्मशाला बना कर देते हैं, मंदिर बना कर देते हैं, धर्मशाला बना कर देते हैं लोगों के सुख के लिए, तो अगले जन्म में उसका महल बड़ा आलीशान महल मिलेगा, लेकिन वो बुद्धिमान भी होंगे उसकी कोई गारंटी नहीं है, या तो उनका संबंध का संपूर्ण सुख मिलेगा उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। और फिर इसी प्रकार ही चौथी बात है कि अगर कोई स्कूल बनाकर दान करते हैं, या तो लोगों को ज्ञान दान करते हैं, समाज सेवा करते हैं, ज्ञान दान करते हैं, तो उसका फलस्वरूप तो अगले जन्म में वो बचपन से ही बुद्धिमान बनेंगे, वो होशियार होंगे, ज्ञान उनको सहज धारण होगा। इसी प्रकार से हम दुनिया में देखते हैं, कोई छोटे छोटे बच्चे हैं लेकिन बहुत बुद्धिमान होते हैं, तेज बुद्धिमान होते हैं, बहुत होशियार होते हैं, नाम करते हैं, लेकिन वो निरोगी रहेंगे या हर परिस्थिति में संपूर्ण सफलता मिलेगी उसकी कोई गारंटी नहीं है। और इस प्रकार से हम दुनिया में देखते हैं, कोई पढ़ा लिखा करके कोई ऊंची डिग्री ले लेते हैं लेकिन उनको नौकरी नहीं मिलती है, कोई ना कोई बात से वो तनाव में रहते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो ये सब बातें क्यों होती हैं, जबकि दान तो कर रहे हैं, पुण्य तो कर रहे हैं, उसका फल स्वरूप ऐसा दिखाई भी पड़ते हैं, लेकिन साथ साथ जो परिस्थितियां आती हैं वो क्यों आते हैं उसको भी हमें समझना है। अर्थात जिस प्रकार का हम दान करते हैं उसी प्रकार का फल तो मिलता है, लेकिन जो हम कर्म में रहते हैं, अर्थात जो हमारी एक्टिविटी रहते हैं, उसका भी तो कर्म का फल स्वरूप हमें रिटर्न में आएगा। अर्थात किसी के साथ अगर हम छल करते हैं, किसी को धोखा देते हैं, किसी को अगर हम तंग करते हैं, जो हम संबंध में एक्टिविटी में जो कुछ व्यवहार में करते हैं उसका भी कर्म का फल स्वरूप हमारे साथ में रिटर्न में आता है। इसलिए भले यहां कोई साहूकार होता है, भले उसे कोई धन कमाने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती है, लेकिन वे कई समस्याओं से घिरे रहते हैं, भले कोई बचपन से बुद्धिमान बनते हैं लेकिन वो कोई बीमारियों से घिरे रहते हैं, इस प्रकार से ये सारी बातें हमें दिखाई पड़ती हैं। इसलिए स्वयं भगवान जो हमें सिखाते हैं, हर एक के साथ जो हम व्यवहार में आते हैं, जहां जैसे जिसको जो मदद चाहिए उस प्रकार से हमें हर एक को मदद देनी चाहिए। लेकिन आप कहेंगे कि हमारे पास धन ज्यादा होगा तब ना हम धन का दान करेंगे, अगर हम धन का दान नहीं करेंगे तो हम साहूकार कैसे बनेंगे। लेकिन परमात्मा का जो सिद्धांत है वो बिल्कुल यथार्थ है, उसे हमें समझना है। हमें ज्यादा धन होगा
तब हम धन का दान करेंगे, उसकी भी हमें कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान जो हमें कहते हैं, गरीब अगर 1 रुपया दान करते हैं और साहूकार अगर 1000 रुपया दान करते हैं, दोनों का बराबर 1 समान फल मिलता है। अर्थात इसमें भगवान हमारा धन का हिसाब नहीं देखते हैं कि किसने कितना दिया, भगवान ये नहीं देखते हैं। भगवान हमारी योग्यता को देखते हैं, किस में कितनी योग्यता है और किस में कितनी भावनाएं हैं। हमारी भावनाओं को और योग्यताओं को भगवान देखते हैं। इसलिए हमें यह सोचने की जरूरत नहीं है कि हमारे पास धन ज्यादा होगा तब हम दूसरों को धन का दान करेंगे, तब हम धनवान बनेंगे, यह हमें सोचने की जरूरत नहीं है। इसलिए भगवान जो हमें सिखाते हैं, हर एक के साथ जो हम व्यवहार में आते हैं, कर्म में आते हैं, उस कर्म में व्यवहार में जिसको जिस प्रकार के सहयोग चाहिए, मदद चाहिए, उसमें हमें निसंकोच होकर हमें मदद देनी चाहिए, हमें उसमें अपनापन होना चाहिए। हर एक के साथ हम व्यवहार में हर एक को सुख दे तो हमारा भविष्य में हर प्रकार का सुख मिलना और निश्चित हो जाएगा। ओम शांति।